सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंड्स के बारे में, वो बैंड जो इंटरमीडिएट परचेज कर सकते हैं। बैंड्स के मैंने बहुत सारे रिव्यू किए हैं, बट आज हम बात करेंगे कि किस रेजिस्टेंस का बैंड एक इंटरमीडिएट जो वर्कआउट करने वाला है उसे परचेज करना चाहिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट कौन से लोग होते हैं। सो ऐसे लोग जिन्हें वर्कआउट करते करते एक साल से ज़्यादा हो गया है, जिन्हें प्रॉपर पता है कि किस तरह से अपनी मसल्स को वो इंगेज कर सकते हैं, मसल माइंड कनेक्शन के बारे में जानते हैं, कौन सी मशीन किस वर्कआउट के लिए यूज़ होती है जानते हैं, और जो प्रॉपर वर्कआउट अपना कर सकते हैं। सो ऐसे लोग को आप इंटरमीडिएट में कंसीडर कर सकते हो। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट अगर कंसीडर करें जिम में जैसे बातें लोग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह के लोग को इंटरमीडिएट मान सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, इंटरमीडिएट लोग के लिए कौन सा रेजिस्टेंस बैंड अच्छा होगा। सो इंटरमीडिएट लोग की जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं वो बेटर होता है एक बिगनर से। सो इंटरमीडिएट लोग के लिए जो बैंड रिकमेंडेशन है मेरा, वो ये है कि एक उन्हें कोई लाइट बैंड खरीदना चाहिए जो कि 15 kg के अराउंड होगा। 5 kg वाला आपको अवॉइड करना है क्योंकि बहुत कम होता है, और अगर आप चाहो तो डेफिनेटली उसे ले सकते हो वार्म अप वगैरह करने के लिए। अदरवाइज़ आप 15 kg से भी वार्म अप आप ठीक ठाक कर सकते हो। सो 15 kg का आपको एक बैंड चाहिए जिससे आप अपने बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हो। ये बैंड जो होगा आपके नॉर्मली जो भी आपकी शोल्डर्स हैं या बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, सबके लिए आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको अच्छी रेंज मिल जाती है, 10-15 kg की रेंज मिल जाती है। सो आपको एक ये बैंड तो खरीदना ही खरीदना है, और उसके साथ जो दूसरा बैंड खरीदना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर आप हो तो आपको एक बैंड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जिम में भी जाते हो देखते हो कि आपको डंबल्स चेंज करने पड़ते हैं। कभी आप 7.5 kg के डंबल से करते हो, कभी आप 10 से करते हो, कभी 12.5 से करते हो, कभी आप 20 kg के डंबल से करते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप सिर्फ एक बैंड का अगर आप सोच रहे हो कि यूज़ करके आप सब कुछ कवर कर लोगे, सारे वर्कआउट कर लोगे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लोगे, तो आपकी गलतफहमी है। एक से नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपको मिनिमम 2 बैंड्स लेने हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पैसे बचा सकते हो तो बचाओ और 3 बैंड के साथ चले जाओ। बट यहाँ पे चलो ठीक है, बात करते हैं कि अगर आपने ये बैंड परचेज कर दिया तो अगला बैंड आपको कौन सा परचेज करना है। सो अगला जो बैंड है वो है आपको ये 25 kg वाला। सो 25 kg का जो रेजिस्टेंस देता है वैसा कोई बैंड लेना है, तो 25-20 kg के अराउंड जो रेजिस्टेंस देते हैं ऐसे बैंड परचेज करने हैं। सो आप इससे हैवी वर्कआउट भी कर सकते हो। साथ में अगर आपके पास 2 बैंड रहेंगे तो आप 2 बैंड को साथ में कंबाइन करके भी अपने वर्कआउट को कर सकते हो। सो आपको एक से मिलेगा 25 का रेजिस्टेंस, एक से मिलेगा 15 का रेजिस्टेंस, तो दोनों को मिला के आप करीब 40 kg का रेजिस्टेंस बना सकते हो। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना के अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। सो इस तरह से आपको 2 बैंड तो लेना ही लेना है। और अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है सो उस केस में आप तीसरा ये बैंड ले सकते हो जो कि 35 kg का रेजिस्टेंस देता है। यहाँ पे मैं आपको 45 kg का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 45 kg काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर मोटा होगा तो आपको वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप 35 kg लेते हो तो 35 के साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लाइक 35 के साथ 15 जोड़ोगे तो आपको 50 मिल जाएगा, 35 के साथ अगर 25 जोड़ोगे तो आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपको हेवी जाना है तो आप तीनों बैंड का यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा एक 35 kg वाला बैंड ले सकते हो आप। अगर आप ट्यूब लेना चाहते हो तो आपको लाइट मीडियम दो तरह की ट्यूब आप ले सकते हो, या बुलमार्क का सेट आता है लाइट मीडियम एंड हेवी का, सो आप उसके साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि कौन सा ऐसा बैंड लूँ जो मेरे पुलअप में भी काम आ जाए। तो आपके पुलअप में जो काम आएगा वो बैंड होता है मीडियम। मीडियम यानी कि 25 kg या 35 kg। 15 kg वाले से बहुत कम रेजिस्टेंस मिलेगा, उसमें आपको ज़्यादा हेल्प नहीं होगी। सो आप अगर अपना पुलअप नहीं कर सकते हो, पुलअप नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप अपना 25 या 35 kg वाले बैंड के साथ जा सकते हो। इवन अगर आपके पास 2 बैंड है तो दोनों बैंड लगा के भी आप अपना सपोर्ट पा सकते हो, और आपको ज़्यादा बेटर सपोर्ट मिल जाएगा। सो उस केस में ये दोनों आपको हेल्प कर देंगे। और एक मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पुलअप कर सकते हैं अपना रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करके, और किस तरह से इसे प्रॉपर यूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है कि कौन सा आपके बॉडी वेट के लिए सूटेबल बैंड होगा। सो उसकी भी बात करेंगे आने वाली वीडियो में। बट अभी के लिए अगर आप इंटरमीडिएट हो और ये 2 या 3 बैंड खरीद रहे हो, 2 बैंड खरीद रहे हो तो भी आपका पुलअप्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप 3 बैंड खरीद रहे हो तो भी आपको पुलअप में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।
यहाँ पे अगर ब्रांड रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पे ब्रांड रिकमेंडेशन मेरा हमेशा डिकैथलॉन फर्स्ट पे होता है। सो ये ग्रीन वाला एंड येलो वाला जो कि 15 किलो है और ये 25 किलो है, इनका अगर आपको परचेज़ आपको करना है तो डिकैथलॉन से आप परचेज़ कर सकते हो। 35 केजी वाला भी, ये भी आप परचेज़ कर सकते हो डिकैथलॉन से। और उसके बाद से सेकेंड नंबर रिकमेंडेशन जो है वो आप कोई भी परचेज़ कर सकते हो, बोल्ड फिट, बुल मार्क एंड अमेजोन बेसिक्स, ये तीनों ब्रांड अच्छे होते हैं। सो इन तीनों में जिसकी भी अवेलेबिलिटी है आप उसके साथ जा सकते हो, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चारों जो मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ और कुछ और रिकमेंडेशन मैं आपको जो लिंक में दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैं दूंगा, सो वो बेसिकली नेचुरल लेटेक्स से बने होते हैं, इसलिए थोड़े से कॉस्टली होंगे बट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।